पुलिस की गुंडागर्दी तो बहुत आपने सुनी ही होगी और टीवी चैनल ऑफ फॉर वीडियो भी गुंडागर्दी की चलती देखी हुई होगी, लेकिन कुछ ही पुलिस के दरियादिली की वीडियो और सामने भी आती रहती हैं। जी हाँ, यह मामला मथुरा के कोतवाली इलाके के जिला हॉस्पिटल का है। गुजरात राजवाड़ी सूरत की रहने वाली 40 वर्षीय महिला नीतू मथुरा रिश्तेदारी में आई थी, लेकिन वह कोविड महामारी की चपेट में आ गई, जिसके चलते निर्दय रिश्तेदारों ने उसको जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और वहां से रफू चक्कर हो गई। वहीं गुजरात राजवाड़ी सूरत निवासी महिला को उपचार के दौरान मौत हो गई। जहाँ यूपी पुलिस की दरियादिली सामने आई है, जहाँ कोविड-19 की महामारी की चपेट में आने वाली लोगों की नगर कोतवाली मथुरा पुलिस रात सेवा में लगे हुए हैं। खुद सूरत प्रकाश शर्मा कोतवाली SHO अपने हाथों से बिना कोई भय के कोविड मरीज की मदद के लिए लगे हुए हैं। जिला हॉस्पिटल में कई मरीजों की भी मदद कर चुके हैं। कोविड महामारी से मरने वाले दो लोगों को अपने खर्चे का भी उनका दाह संस्कार भी कराया गया है। पुलिस की बुराई के अक्सर कारनामे सामने ही आते हैं, लेकिन दरियादिली की खबरें बहुत कम सामने आती हैं। कोरोना की जांच की जा रही है, ये भीड़ देखने को मिली है, क्या वजह रही? भीड़ वजह इसलिए है कि एक्चुअली क्या है कि अभी मथुरा जनपद में ग्रामीण अंचल में चुनाव होकर के चुके हैं और मतगणना की तारीख जो है 2 मई को मतगणना होनी है। इसीलिए ये सभी जो है शासन ने ये बाउंडेशन लगाई है कि मतगणना में जो एजेंट बनेंगे वो अपनी एंटीजन नेगेटिव की रिपोर्ट लेकर के आएंगे। उसको देखते हुए ये भीड़ हुई है। कितने आज टेस्ट हुए हैं? टेस्ट लगभग 356 के लगभग अभी मैं एंट्री कर चुका हूँ। 10-12 अभी लोग और हैं, लगभग 400 के लगभग टेस्ट हो गए। टेस्ट हो जाएंगे 400 के।